टॉप 5 बेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया, जो बहुत ही ज्यादा चलने वाले बिजनेस है और लास्ट के दो बिजनेस तो कोई भी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वन नंबर पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक हर लगभग 400 से 500 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा दुनिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इस कचरे का केवल 10 से 20% कचरे का रिसाइकलिंग किया जाता है और बाकी कचरों के कारण प्रदूषण में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इसी आपको बाकी बचे 80 से 90 प्लास्टिक कचरों को रिसाइकलिंग करके लाभदायक व्यवसाय तैयार करने का अवसर मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक प्लास्टिक को काफी हद तक पुनर्निर्मित किया जा सकता है और न ही केवल आप इससे अच्छा लाभ कमा सकते हो बल्कि आप समाज से इन कचरे को भी कम कर सकते हो। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस की मदद से आप प्लास्टिक कचरे का उपयोग करते हुए अन्य प्लास्टिक उत्पादक जैसे कि पॉलीथिन, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक डिब्बे, प्लास्टिक से बनी हुई अन्य वस्तुओं को निर्माण किया जा सकता है। और हालांकि रिसाइकलिंग प्रक्रिया एक निश्चित दौर के बाद समय ऐसे ही आता है कि आप इस प्लास्टिक का उपयोग मानव उपयोग के लिए नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस प्लास्टिक का उपयोग सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों के लिए एक अच्छा लाभदायक बिजनेस हो सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने में कितना खर्चा आता है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने में आपको 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। इसका अतिरिक्त कम से कम आप 3 से 35 लाख तक भुगतान करना होगा। इससे आप इतने इस स्टार्ट करके अच्छी कमाई कर सकते हो। इस पर दूसरे नंबर पर टायर रिसाइकलिंग बिजनेस, आपकी जानकारी आपको बता दे कि वाहन का उपयोग किए जाने वाले टायर रबर या लाइलोन या कार्बन के मिश्रित से बना होता है। एक समय सीमा के पश्चात काफी ज्यादा उपयोग किए जाने के कारण टायर घिसे जाते हैं और फिर वे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन टायरों को जलाया जाता है तो इसे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और इनके सही उपयोग करने के लिए रिसाइकलिंग के लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग प्रोसेस में इन टायरों को एक उपयुक्त तापमान पर गलाया जा सकता है, पुनः उपयोग करने लायक बनाया जाता है। आप इसे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इस पर तीसरा बिजनेस है बूट या फर्नीचर रिसाइकलिंग बिजनेस। बूट या फर्नीचर रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप इसे काफी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको लकड़ी से बने हुए पुराने कचरे अथवा फर्नीचर को इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद आप इसे रिसाइकलिंग प्रोसेस की मदद से आवश्यक आकार दे सकते हो। अगर अक्सर पुराने फर्नीचर देखने में खराब लगते हैं, इसलिए इसे रिसाइकलिंग प्रोसेस की मदद से आवश्यक आकार देने के पश्चात पॉलिश करके पुनः नया बनाया जा सकता है। हालांकि इस व्यवसाय को करने के लिए आप पुराने फर्नीचर के साथ साथ कुशल कारीगरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। इस पर चौथे नंबर PVC रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया। PVC के रूप में जाने जाने वाले पॉली विनाइल क्लोराइड एक पदार्थ, एक मजबूत पदार्थ होता है। इसका उपयोग अक्सर पाइप और अन्य उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। पीवीसी पदार्थ का उपचार करने के लिए सबसे पहले इन मशीनों का उपयोग करके पिघलाया जाता और फिर से आवश्यकता रूप में ढाल दिया जाता। पीवीसी एक खास बात यह है कि इसे बने हुए पदार्थ का उपयोग के बाद रिसाइकल किया जा सकता है और इसे के लिए आपके उच्च संयंत्र की आवश्यकता होगी। इसे अतिरिक्त रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा पहले से उपयोग किए गए पीवीसी पाइप सीधे तौर पर निम्न गुणवत्ता वाले पीवीसी पाइप के सामानों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। इसे कुल मिलाकर पीवीसी के क्षेत्र में रिसाइकलिंग बिजनेस के साथ सफल होने की काफी ज्यादा संभावना है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप इसे बिजनेस को योजना बनाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके मार्जिन प्रॉफिट भी जान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना वो भी जान सकते हैं। इसमें पांचवें नंबर पे ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस आईडिया। ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करना भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले आप कुछ यह निश्चित करना चाहिए कि आप किस प्रकार कांचों को रिसाइकलिंग करेंगे, क्योंकि कांच के विभिन्न प्रकार के हैं जो कि अलग अलग उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हुए अवसर और गुणवत्ता के आधार पुराने कांचों को कच्चे से रिसाइकलिंग करके नए उत्पाद बना सकते हो, जैसे खिड़कियां, फर्नीचर, विंड सीट, मोटर, वाहनों में इस्तेमाल होने वाले शीशे महंगे होते हैं, इसे रिसाइकलिंग करके नए पदार्थ के रूप में इसे निर्माण करके इसे महंगे दाम पर बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा